कथा का केवल और सबसे प्रमुख प्रयोजन ये है कि संसार के अंदर जो हमारे भीतर राग है ना, हमको संसार कितना ठीक लगता है, कितना मीठा लगता है। मतलब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमको शादी के बाद पति मिल गए, सास ससुर मिल गए, बच्चे मिल गए, नौकरी हो गई, घर बन गया, सब चलता आ रहा है, और हमारे भीतर थोड़ी सी भी ये भावना नहीं जन्म ले पाती है कि ये सब चल रहा है, सालों सालों से चल रहा है। इन सब का होना क्यों, किस लिए हो रहा है ये सब, आपको बताते हैं एक बार। गृहस्थ जीवन की ना सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप घर में तो रह रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, घर से भाग नहीं रहे हैं, मठ मंदिर में नहीं जा रहे हैं, घर में अपने परिवार की, अपने परिवार में जो भी सदस्य उनकी सेवा करते हुए आपके भीतर ये भाव आ जाए कि जिस संसार के पीछे हम इतने सालों से भाग रहे हैं, जिन रिश्तों को बनाने में एड़ी चोटी एक लगा दे रहे हैं, परिश्रम कर करके थक जा रहे हैं, जिन चीजों को पाने के लिए असल में वो जीवन में पाने के लायक चीजें होती नहीं है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ जो हमारे लिए प्राप्तव्य है, हमको कौन सी चीज पानी चाहिए, वो हमारा अपना स्वरूप, और दूसरे शब्दों में कहें तो भगवान के साथ जुड़ने की एक उपलब्धि। भगवान को पाने की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम आपसे केवल ये कह रहे हैं कि भगवान को अपने जीवन से जोड़िए,